अजो भी सभी वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त कश्यप में। एक बार सभी जुड़ जाएंगे और बताएंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को। और आज एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी सीरीज आगे चल रही थी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो हमारी फिज जो चल रही थी सीरीज सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही थी भैया हमारी। और इसमें आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम रेसिप्रोकल लैटिस व्युत्क्रमण जालक। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसमें से आपके लगभग भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बीएससी थर्ड ईयर में। ठीक है, एक बार सभी थम कर दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले आप सभी को कैसी आ रही है भैया। ठीक है, तो अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक का नाम है भैया व्युत्क्रमण जालक। व्युत्क्रमण जालक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट है भैया। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आपको मल्टीपल चॉइस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक बार सभी थम कर दो। ठीक है, आ जाओ जुड़ जाओ भी सभी एक बार। और एक बार थम करके बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी। फिर आगे चलते हैं भैया। देखो अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बातचीत करें तो मैं लास्ट टाइम पे आपको, अच्छा ये इसका लास्ट टॉपिक है इस वाली यूनिट का, आपका यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है भैया। और ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट कराऊंगा। कल आपको पूरी यूनिट ये कंप्लीट कर लेनी है अच्छे तरीके से। आप इसे पूरा शुरू से एक बार अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं जब कल को आपको असाइनमेंट कराऊंगा शायद ऐसा हो सकता है आपकी क्लास थोड़ा कल ज़्यादा बड़ी हो जाए और थोड़ा टाइम सा थोड़ा पहले दे दूं मैं आपको क्लास। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट सॉल्व करवाने तो 2 घंटे का टाइम इसमें चाहिए। ठीक है भाई, एक बार सभी थम कर दो और फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है भैया इसका। तो रेसिप्रोकल लैटिस को कुछ इस प्रकार से समझेंगे। कोई भी हमारा एक क्रिस्टल होता है भैया, कोई भी एक क्रिस्टल होता है वो 2 तरीके के लैटिस से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि 2 तरीके से के लैटिस से उसकी बात बनती है। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट लैटिस, एक होता है हमारा डायरेक्ट रेसिप्रोकल लैटिस। तो भैया डायरेक्ट लैटिस का उल्टा ही क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस होता है। ठीक है भैया, यानी कि ऐसे मान के चलो कि हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रिस्टल की कुछ डिडक्शन करने के लिए जिस प्रकार से हमारे सिंपल या डायरेक्ट लैटिस की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक उसी प्रकार से हमें रेसिप्रोकल लैटिस की भी आवश्यकता पड़ी। और वो किस प्रकार से काम करेगा वे सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ठीक है भाई, तो हम ऐसे समझ सकते हैं भैया, ऐसे समझ सकते हैं कि भैया इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं एक बार कि हमारा जो कोई भी क्रिस्टल होता है, कोई भी क्रिस्टल जो होता है, कोई भी क्रिस्टल होता है वो 2 तरीके से काम करता है भैया। हमारा कितने तरीके से काम करता है? 2 तरीके से, यानी कि 2 तरीके की चीजों से जुड़ा हुआ होता है। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट लैटिस, डायरेक्ट लेटिस, और दूसरे वाला होता है भैया हमारा रेसिप्रोकल लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस। यानी कि इन्हें हिंदी में ऐसे कहा जा सकता है सीधा सीधा जालक, और इसे हिंदी में कहा जा सकता है भैया व्युत्क्रमण जालक, व्युत्क्रमण जालक। ठीक है भैया, एक बार सभी साथ साथ हम करते रहो, कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी यहाँ तक ये बात समझने में। यानी कि कोई भी हमारा जो क्रिस्टल होता है वो 2 तरीके से एसोसिएटेड होता है, कोई भी क्रिस्टल होता है वो 2 तरीके से एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड बाय टू टाइप्स सिस्टम। पहले टाइप के सिस्टम को हमने बोल दिया भैया डायरेक्ट लैटिस, और दूसरे तरीके को हमने बोल दिया रेसिप्रोकलिटीज। तो इसके बारे में आज हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे सभी और इसकी एक छोटी छोटी सी पॉइंटों को आप देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, एक बार जल्दी से नोट कर लो भाई यहाँ तक का। ठीक है भैया, और मैं आपको इसके कुछ इसकी टर्म्स लिखाने जा रहा हूँ रेसिप्रोकल लैटिस के। ठीक है भैया, कुछ रेसिप्रोकल लैटिस की टर्म्स देख लो भैया, और इन्हें मतलब इंट्रोडक्शन देख लो इसका।
इंट्रोडक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, पहले हिंदी वाले एक बार नोट कर लेंगे, फिर इंग्लिश वालों का लैंग्वेज अलग से बताता हूँ भैया। ठीक है, प्रत्येक क्रिस्टल, मान लो कोई भी क्रिस्टल है, पहला पॉइंट तो यही हो गया, प्रत्येक क्रिस्टल से संबंधित दो जालक होते हैं, दो जालक होते हैं भैया। कौन कौन से? तो अगर मैं आपसे कह लगूँ, पहला होता है हमारा सीधा जालक, पहला होता है हमारा सीधा जालक, और दूसरा होता है हमारा व्युत्क्रमण जालक, दूसरा होता है भैया हमारा व्युत्क्रमण जालक। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारा क्रिस्टल जो है, कितने उसमें कितनी चीज़ों से एसोसिएटेड रहा होगा, कितनी चीज़ों से, एक तो सीधे से और एक व्युत्क्रमण जालक से। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कह लगूँ, अभी आप हिंदी वाले नोट करते रहे होंगे, फिर इंग्लिश वालों को भी लिखवाऊंगा मैं, क्रिस्टल जालक में विभिन्न, मान लो उसकी कुछ ना कुछ स्थिति अभिविन्यास देखना होता है, विभिन्न अभिविन्यासों तथा विभिन्न अंतराग्राहिक अंतरालों के अनेक समुच्चय होते हैं, मान लो अनेक समुच्चय का मतलब है बहुत सारी, मतलब अलग अलग पैटर्न बने हुए होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, मान लो एक बार रिपीट का हो सकता है, एक बार नॉन रिपीट का हो सकता है। ठीक है भाई, होते हैं। ठीक है भाई, कभी कभी इन सब तलों को साथ लेकर, यानी कि बहुत सारे अलग अलग चीज रहेंगे, फिर भी हमें इनमें से सबको साथ लेकर चलना, कभी कभी इन सभी तलों को साथ लेकर कठिनाइयां आती हैं। ठीक है भैया, इसका हल निकालने के लिए भैया एक साइंटिस्ट आए, इन साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना भैया, निकालने के लिए, और ये साइंटिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, हल निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आए भैया, उन वाले साइंटिस्ट का चलो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, लिए पी पी इवाइल्ड, ये नाम याद रखना भैया, कि ये रेसिप्रोकल लेटिस का कंसेप्ट किसने दिया, पी पी इवाइल्ड ने। ठीक है भैया, इवाइल्ड ने व्युत्क्रमण जालक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अभी मैं आपको इसको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि ये लैंग्वेज अच्छी है। प्रतिपादित किया यह सिद्धांत इस प्रकार आधारित है कि क्रिस्टल
क्रिस्टल तलो, क्रिस्टल तलो या क्रिस्टल जालक कह दो भैया, क्रिस्टल जालक कह दो, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक में समांतर, क्रिस्टल जालक में समांतर तलो, समांतर तलो के प्रत्येक, के प्रत्येक समुच्चय को, प्रत्येक समुच्चय को इन तलों पर, इन तलों पर खींचे गए, इन तलों पर खींचे गए अभिलंब, इन तलों पर खींचे गए अभिलंब खींचे गए अभिलंब से निरूपित किए जाते हैं, निरूपित किए जाते हैं, किए जाते हैं। अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिनकी जिनकी लंबाई, जिनकी लंबाई अंतराग्राहिक, अंतराग्राहिक अंतराल के, अंतराग्राहिक अंतराल के व्युत्क्रमण के, व्युत्क्रमण के बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। एक बार यहां तक नोट करेंगे अभी सभी। ठीक है भैया, के बराबर होती है। ये अभिलंब, ये अभिलंब, ये अभिलंब एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मूल बिंदु से खींचे जाते हैं, उभयनिष्ठ मूल बिंदु से खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं इन्हीं, इन्हीं अंत्य बिंदु, इन्हीं अंत्य बिंदु पर चिन्ह बनाए जाते हैं, पर चिन्ह बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तब ये एक नियमित व्यवस्था बनाते हैं, तब ये एक नियमित व्यवस्था बनाते हैं, नियमित व्यवस्था बनाते हैं, बनाते हैं इन्हें, इन्हें व्युत्क्रमण जालक कहते हैं, इन्हें व्युत्क्रमण जालक कहते हैं, जालक कहते हैं। एक बार नोट कर लो, फिर इसके बारे में सारी चीजें क्लियर करके बताता हूँ आपको। ठीक है भैया, ठीक है, आप सभी ने ये लैंग्वेज नोट कर ली भैया। फिर इस लैंग्वेज के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वे सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, एक बार लैंग्वेज नोट कर लो यहाँ तक का, कोई दिक्कत समस्या ना। पहला पॉइंट तो आपको पता ही लग गया होगा कि भैया हमारे पास जो क्रिस्टल होता है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो सीधा क्रिस्टल होता है भैया हमारे पास, एक कैसा होता है व्युत्क्रमण क्रिस्टल। और अगर इसमें से हम जो पढ़ रहे हैं भैया रेसिप्रोकल लेटिस पढ़ रहे हो, रेसिप्रोकल लेटिस का कंसेप्ट किसने दिया, पीपी इवाल्ड ने दिया। अब मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलियो भैया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलियो। मैंने आपसे कहा कि सपोज करो हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल है, मान लो ये कोई क्रिस्टल है, ये इस तरीके का कोई भी एक क्रिस्टल है।
ठीक है। और इसमें आप देख रहे होगे इस तरीके से, और मैं इसमें क्या करता हूँ एक पैरेलल लाइंस खींच लेता हूँ, जैसे हम खींचते थे इस तरीके से, ये कोई क्रिस्टल होता है और ये इस तरीके से पैरेलल लाइंस होती है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ सपोज करो यहाँ से यहाँ तक के बीच की इसकी कुछ डिस्टेंस रही होगी, मान लो इसके बीच की जो कुछ डिस्टेंस रही होगी इसे मैंने कह दिया डी कह दिया। अब मैं क्या काम करूं, इन पे एक एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं इस प्रकार से, ये एक परपेंडिकुलर खींच दिया इस प्रकार से, सब पे एक एक परपेंडिकुलर खींच दिया, सपोज करो इस तरीके से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है भैया, क्या खींच दिया, एक सब पे परपेंडिकुलर खींच दिया। और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ रहेगी, जो इस परपेंडिकुलर की लेंथ रहेगी वो किस किस लेंथ के इक्वल रहेगी, डी के। मान लो मैंने क्या बताया, जो ये परपेंडिकुलर आपने डाला है इस पे, परपेंडिकुलर जो ये डाला है इस पे, ठीक है, और इसकी जो लेंथ रहेगी ये किसके इक्वल रहेगी, ये किसके इक्वल रहेगी, डी के। और डी क्या था हमारे पास, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस। और अब आप देख पा रहे होगे पहला हमारा जो क्रिस्टल था वो किस साइड में तक मूवमेंट कर रहा था भैया, आप कहोगे पहला इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था, ए इधर इधर की डायरेक्शन से इस तरीके से, मतलब मतलब हमारा कोई क्रिस्टल का ओरिएंटेशन इस प्रकार से था, लेकिन ये परपेंडिकुलर खींचने के बाद अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसका ओरिएंटेशन कैसा हो गया, कुछ इस प्रकार का हो गया, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार का हो गया। अब आप देख रहे होगे ये वाला और ये वाला एक दूसरे से कैसे हम मतलब एक दूसरे से एक अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो ऐसे लेटिस को ही क्या बोला जाता है भैया, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस बोला जाता है भैया ऐसे प्लेन को ही, ठीक है। जल्दी से बताओ सभी को ये वाली बात क्लियर होगी भैया, जल्दी से बताओ सभी को ये वाली बात क्लियर होगी, तो हम पहले क्या ले रहे थे, हम पहले क्या कर रहे थे, देखो पहले हम क्या कर रहे थे भाई, हमें पता है इस डायरेक्शन में सारी टर्म्स कैसे ली जाती है, इस डायरेक्शन में सारी टर्म्स कैसे ली जाती थी, कोस के ली जाती थी, और उपल्ले वाले में सारी टर्म्स कैसे ली जाती है, आप साइन ली जाती है। अब एक बात बताओ मुझे, ब्रैग लॉ किस चीज से रिलेटेड था, कोस वाली टर्म से रिलेटेड था या फिर साइन वाली टर्म से रिलेटेड था, आप कहोगे कि ब्रैग लॉ जो था भैया हमारा हमारा वो कौन सी इक्वेशन से रिलेट कर रहा था भैया, साइन के टर्म से रिलेट कर रहा था, ब्रैग इक्वेशन साइन के टर्म से रिलेट कर रही थी। तो एक बात बताओ, किसी भी क्रिस्टल को अच्छे से पढ़ने के लिए इस वाली टर्म्स का तो यूज हो ही ना रहा, तो कौन सी टर्म्स का यूज हो रहा है भैया, इस वाली का, साइन वाले को, और साइन वाले का अकॉर्डिंग कैसा काम कर रहे हैं ये सब, रेसिप्रोकल लेटिस। तो ब्रैग लॉ से या किसी और कंडीशन से भी क्या आसान रह सकता है, रेसिप्रोकल लेटिस निकालना आसान रह सकता है। तो रेसिप्रोकल लेटिस इज द बेस्ट बेस्ट मेथड फॉर क्रिस्टल डिटर्मिनेशन, फॉर क्रिस्टल डिटर्मिनेशन, यानी किसी भी क्रिस्टल का डिटर्मिनेशन अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो भैया, रेसिप्रोकल लेटिस को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना। अब इसके बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा ये वाली बात इंट्रोडक्शन वैसे तो इतनी खास ये वाली बात थी नहीं, बस इसमें से जो आपका ये क्वेश्चन जो है कि किसने दिया, और आपको नॉर्मली ये डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी थी, फिर भी यदि इंग्लिश वाले भी लिखना चाहते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं भैया, वे भी इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हैं, एक बार नोट कर लो सभी, फिर आसान रहेगा, ठीक है भैया, कि रेसिप्रोकल लेटिस कैसे कैसे वो करता है, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश वाले भी लिख लो, एवरी एवरी क्रिस्टल हैज टू टू लेटिस एसोसिएटेड एसोसिएटेड associated with it the crystal lattice
क्रिस्टल लेटिस, और क्रिस्टल लेटिस को हम डायरेक्ट लेटिस भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट लेटिस एंड रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल यानी कि दो तरीके के लेटिस रह गए हो, ठीक है भैया। क्रिस्टल लेटिस देयर एग्जिस्ट यानी कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में बहुत ज्यादा सेट बने हुए थे, कोई किधर ना कोई किधर ना, मैनी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जो अभी पैरेलल प्लेन्स मैंने आपको दिखाए थे विद डिफरेंट, एक बार और बता दूंगा इस वाले टर्म्स को, डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग विच कैन कोज डिफ्रैक्शन। चलो ये वाली बात को एक अलग पैटर्न से भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी, मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का क्रिस्टल था भैया, कुछ इस तरीके का क्रिस्टल था, ऐसे भी तो हो सकता है कि इसका ओरिएंटेशन कुछ, देखो कुछ का मैं ऐसे दिखा दूँ, कुछ का ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ओरिएंटेशन है भाई, ये भी तो ओरिएंटेशन हो सकता है इसका, या और ओरिएंटेशन ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे पैरेलल वाली लाइंस का ऐसे भी तो हो सकता है। तो वैसे तो इनके इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस स्मॉल डी रहेगी, किसी से भी आप देख लो आप, ये स्मॉल डी रहेंगे और ये वाले भी हमारी स्मॉल डी रहेगी, लेकिन इस प्रकार का ओरिएंटेशन सॉल्व करने के लिए हम, मतलब हमें ये नहीं पता, ये डिफरेंट तरीके का यही तो बात बता रखी कि देयर आर एग्जिस्ट मैनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि बहुत ज्यादा किसके सेट है, पैरेलल लाइंस के, देख लो ये पैरेलल लाइंस ही हैं सभी, और डिफरेंट ओरिएंटेशन है भैया, डिफरेंट ओरिएंटेशन है चारों तरफ से, और इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी है, और ये किस कारण हुआ है, डिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हुआ है। ओरिएंटेशन कैसे समझ सकते हैं, ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर की बनावट कैसा होगी, ठीक है, बनावट को बोलते हैं ओरिएंटेशन। कि भैया अगर कोई चीज, जैसे आपके घरों में नॉर्मल किसी भी चीज की बनावट कैसे हो सकती है, मान लो गोल हो सकते हैं, तो गोल क्यों होगी, क्योंकि उसके जो जो वे होंगे पॉइंट्स भी कुछ ऊपर से नीचे की तरफ ना आ रहे होंगे, ठीक है। सीधी कैसा होता है ओरिएंटेशन, कि पॉइंट आगे एक के बाद ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे होंगे, तो इसे ओरिएंटेशन बोलते हैं, बनावट को। समझ में आ गया, ठीक है, जल्दी से बताओ थंब करके। तो ये ओरिएंटेशन ही तो है कि भाई ये पॉइंट ऐसे भी जा सकते हैं पैरेलल लाइंस के लिए, ऐसे भी। तो अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि इस वाले, ये वाला क्रिस्टल सही तरीके से कहाँ पे लाई कर रहा है, कुछ हिस्सा तो इधर न जा रहा है इसका, कुछ हिस्सा इधर न जा रहा। तो इसकी डिफरेंट तरीके की ओरिएंटेशन है, डिफरेंट तरीके की बनावट है। अगर एक ही डायरेक्शन में जाता रहता तो हम कहते स्टेट ओरिएंटेशन है इसका, सीधी रेखा में ओरिएंटेशन है, लेकिन ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो इस टाइप के क्रिस्टल को सही तरीके से जस्टिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी भैया, रेसिप्रोकल लेटिस की, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ी, रेसिप्रोकल लेटिस की। तो समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू डील, इस तरीके की डील को सॉल्व करने में हम मतलब सिंपल वाले से फेल हो गए। ऑल सच प्लेन, ठीक है। टू सॉल्व इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए कौन से साइंटिस्ट है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, किसने सॉल्व करी ये वाली प्रॉब्लम भैया हमारी, उन साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, पी पी इवाल्ड ने, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है भैया, पी पी इवाल्ड, ठीक है, कि भैया किसने रेसिप्रोकल लेटिस का कंसेप्ट दिया, डिवाइज्ड रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल लेटिस विच इज बेस ऑन द आइडिया डैट इच सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इन ए डायरेक्ट लेटिस कैन बी रिप्रेजेंट। अब मैं क्या काम करूं, इन ये जो पैरेलल लाइंस के सेट हैं इन्हें किसके द्वारा रिप्रेजेंट करूं मैं, डायरेक्ट के द्वारा। डायरेक्ट लेटिस कैन बी, यहाँ तक नोट कर लो फिर आगे चलते हैं भैया। एक बार सभी थम कर दियो नोट करने के बाद भैया, सभी जल्दी से बताओ थम कर गए, यहाँ तक नोट कर लिया आप सभी ने, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉर्मल टू दीज प्लेन्स हैविंग लेंथ इक्वल टू दी रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग द नॉर्मल्स आर ड्रॉ फ्रॉम ए कॉमन ओरिजन एंड पॉइंट आर मार्क ठीक है, एट देयर एंड these end points of normals form a regular arrangement which is called reciprocal lattice। ठीक है भाई, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। मैं अगर इस कुछ इस तरीके से मान लूं कि भैया पहले हमारा कोई भी क्रिस्टल इस प्रकार से था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, कुछ पैरेलल लाइंस ऐसे थी, ठीक है भाई, कुछ पैरेलल लाइन ऐसे थी, ठीक है भाई, कुछ पैरेलल लाइंस ऐसे भी थी, कुछ पैरेलल लाइन ऐसे भी थे। तो इनके बीच के इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस डी थी, ठीक है। तो मैं इस ओरिएंटेशन को सॉल्व करने के लिए क्या काम करूँगा, सबसे पहला तो एक कॉमन पॉइंट ले लूँगा, इन सभी का एक कॉमन पॉइंट ले लूँगा, ठीक है, इन पर परपेंडिकुलर खींच के, ठीक है। चलो मैं इस पर एक परपेंडिकुलर खींच के यहाँ पर एक पॉइंट मिला, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट मिला, मान लो इन सब का पॉइंट यहाँ पे मिल गया इस तरीके से, ठीक है भैया, सबका एक पॉइंट ऐसे मिल गया, ठीक है, सभी का एक पॉइंट ऐसे मिल गया, इन इस मान लो यहाँ पे वो पॉइंट था, इन सभी के पॉइंटों को मनना ऐसा ऐसा, इनकी जितनी भी ये डिस्टेंस थी इसी डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए, मान लो इतनी डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए एक कॉमन पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन पॉइंट ले लिया। तो इस कॉमन पॉइंट को से जो व्यवस्था बनी सबके अकॉर्डिंग, इसी कॉमन पॉइंट के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था बनी, तो ऐसे लेटिस को बोला गया हमने
क्या? रेसिप्रोकल लेटिस। क्या बोला गया भैया? रेसिप्रोकल लेटिस। अब ये वाली बात तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती कि भैया रेसिप्रोकल लेटिस क्या होता है, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टर्म्स इसकी बता दी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टर्म्स अब चलने वाली है भैया। तो सभी हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। एक बार सभी थम कर दो यहाँ तक का भैया, नोट कर लिया हो तो सभी ना। और अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है भैया, रेसिप्रोकल लेटिस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अगर कोई आपसे पूछ लगा कि भैया रेसिप्रोकल लेटिस का कंसेप्ट किसने दिया था, तो जल्दी से बताओ, कंसेप्ट गिवन बाय पीपी इवाल्ड ने दिया भैया, ठीक है भैया। अगर मैं आपसे कह लगूं कहीं भी आपको सिंपल लेटिस दिखाई दे रहा है, या फिर इसे मैंने बोल दिया डायरेक्ट लेटिस आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सरल या सीधा जालक कहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं उसे उसके ट्रांसलेशनल कुछ वेक्टर होते हैं कि सिंपल लेटिस और डायरेक्ट लेटिस के कुछ ट्रांसलेशनल वेक्टर होते हैं, तो कुछ ट्रांसलेशन वेक्टर मैं इसे रिप्रेजेंट कर करूँगा, सीधे वाले को मैं रिप्रेजेंट कर करूँगा स्मॉल वाले टर्म्स है, स्मॉल ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको ये टर्म्स दिखाई दे करेगी, कौन सी? रेसिप्रोकल लेटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर दिखाई दे करेंगे, तो आप क्या करोगे भैया, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल ए वेक्टर से, इसके वेक्टरों को कैपिटल बी वेक्टर से और कैपिटल सी वेक्टर से। तो जहां कहीं भी आपसे सिंपल लेटिस या डायरेक्ट लेटिस की बात करेगा और उसके ट्रांसलेशनल वेक्टर की बात करेगा, तो आपको स्मॉल में लेकर चलने हैं, और जहां कहीं आपको रेसिप्रोकल की बात करेगा तो वहां पे आपको कैसे लेकर चलना है? कैपिटल ए बी सी लेकर चलने हैं, ठीक है भैया, क्या लेकर चलना है? कैपिटल ए बी सी लेकर चलने हैं। अब मैं कुछ आपको रिलेशन बताता हूँ, तो आपको कुछ रिलेशन है महत्वपूर्ण रिलेशन, तो एक बार यहाँ तक का नोट कर लो। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये, आपसे एग्जाम में इसके टर्म्स की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है, तो इस टर्म्स की वैल्यू लिख लो, e की पावर आई जी वैक्टर डॉट टी वैक्टर इज इक्वल टू, इसकी टर्म्स की वैल्यू होती है एक, याद रखना इस टर्म्स की वैल्यू कितनी होती है एक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक बार नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है भैया। एक बार सभी नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, एक बार सभी थंब कर दो भैया यहां तक का, एक बार जो सभी स्टूडेंट जुड़ा हुआ एक बार सभी थंब कर दो भैया, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ और टर्म्स के बारे में बातचीत कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा लगे कि भैया कुछ स्टेटमेंट का रिजल्ट आपको याद रखना, देखो भाई ध्यान से मेरी बात को, अगर कोई आपसे पूछा लगा कैपिटल ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको देखो कैसे याद रखने का तरीका ही बता रहा हूँ, 2π यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है भैया, 2π यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे यदि ए है तो आपको एक साइक्लिक प्रोसेस याद रखना, ए बी और सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, मतलब इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस याद रखना। तो अगर यदि मेरा यहाँ पे ए आ गया है तो यहाँ पे आगे क्या आएंगे, बी वैक्टर मल्टीप्लाई सी वेक्टर, और नीचे हमेशा ध्यान देना, नीचे हमेशा ये जो मिलेगा आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो भैया ये क्या होता है हमारा, एक तरीके से समझना इस बात को मेरी, ठीक है, तो
तो अगर मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बताने जा रहा हूं, कुछ नोट पॉइंट, अगर कहीं भी आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है भैया, तो इसे आप क्या हो गए, ये एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा, कौन से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा, स्केलर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसे रिप्रेजेंट कर रहा, स्पेशल ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये किससे भी रिप्रेजेंट कर रहा, डायरेक्ट के वॉल्यूम को, डायरेक्ट लेटिस के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा भैया यो, ठीक है, ध्यान देना मेरे इस बात पे, अगर कहीं भी इस तरीके से टर्म्स दिखाई दे रही है तो सीधे जालक के वॉल्यूम को बता रहे हो, सीधे जालक के आयतन को। अगर आपका ये दिखाई देता कहीं भी आपको, यदि ये दिखाई दे रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या बताना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है भैया। और ये भी किसका है, मतलब एक तरीके से रेसिप्रोकल का, जहां कहीं भी आपको दिखाई देगा रेसिप्रोकल लेटिस का वॉल्यूम बोलते हैं इसे हम, रेसिप्रोकल लेटिस का वॉल्यूम, यानी कि व्युत्क्रमण का, व्युत्क्रमण जालक का आयतन, व्युत्क्रमण जालक का आयतन, आयतन, ठीक है भैया, कुछ इस प्रकार से। तो पहला रिलेशन आपको याद रखना, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर ये साइड आ जाएगी और नीचे ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, तो भैया ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। तो मैं एक शॉर्ट में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये वाली टर्म्स किसे रिप्रेजेंट कर रही है एक तरीके से, ये वाली टर्म्स यहाँ स्टार लगा के ये बता देता हूँ, स्टार का मीन्स क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, ठीक है भैया, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। अच्छा चलो, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह लगूँ बी वैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बताना बी वैक्टर की वैल्यू होगी 2π, बी के बाद क्या आता है भैया, बी के बाद सी और ए, इस प्रकार से, तो सी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर, और नीचे तो ये वॉल्यूम की टर्म्स हमारी चलती रहेगी। तो ये सारे रिजल्ट आपको, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सी टर्म्स सही है इसकी, ठीक है भाई। तो 2π ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे सी आ गया, तो भैया सी के बाद ए क्रॉस बी आ गया होगा, ए क्रॉस बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट क्रॉस सी वेक्टर। तो कुछ ये टर्म्स आपको अच्छे तरीके से बी वेक्टर की सी वेक्टर की, और ये आपस में ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस पढ़ते वक्त में, ठीक है। एक बार सभी नोट करने के बाद थम कर देना भैया यहाँ तक, ठीक है। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना, थम कर दो भैया एक बार सभी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चले आगे, ठीक है, चल तो चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया चलो जल्दी से बताओ, अगर आपसे पूछ लगूं ए की या बी की या सी की डायमेंशन, इन तीनों में से किसी की भी डायमेंशन बता दो कितनी होती है, जल्दी से बताओ क्या रहेगी डायमेंशन। आता है ये क्वेश्चन आपका कि वीमा कितनी होती है, ए की बी की या सी की, जल्दी से बताओ आंसर, आंसर आना चाहिए भैया। इसी प्रकार से चाहे ए की पूछे, चाहे बी की पूछे, चाहे सी की पूछे, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, वीमा कितनी होगी, वीमा कह दे या फिर यूनिट कह दे, आपसे पूछ लेगा कुछ भी प्रकार से, जल्दी से बताओ पहले वाले की यूनिट क्या होगी। एक बच्चे ने बताया लेंथ होगी, किसकी, ऊपरले वाले की निचले वाले की, जल्दी से बताओ, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ ऊपरले वाले की क्या होगी, लेंथ होगी यानी कि लंबाई होगी, और निचले वाले की क्या होगी, तो जल्दी से बताओ, क्योंकि ये तो उल्टा होता है, तो इसे हम कह सकते हैं भैया लेंथ इनवर्स, क्या होगी हमारी इसकी, लेंथ इनवर्स या लंबाई के -1। ये टर्म्स भी आपसे कितनी बारी पूछी जाएगी, ठीक है भैया, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है। अब आपसे मैं
एक प्रॉपर्टीज और पूछ रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज भी है। जल्दी से बताओ, ए कैपिटल ए, अगर ये हमारा रेसिप्रोकल लेटिस का आ गया, अगर एक स्मॉल ए का आ गया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जल्दी जल्दी बताते रहो कितनी कितनी होती रहोगी। अगर ये बी इस तरीके से आ गया तो इसकी कितनी रहोगी, और ए क्रॉस सी आ गया तो इसकी कितनी रहोगी, जल्दी से बताते रहो। ठीक है भैया, कुछ इसी प्रकार से बी वाले की भी रहने वाली है, तो जल्दी से इनके आंसर बताते रहो जल्दी से भाई सभी। एक बार आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इनकी सभी की टर्म्स बताने स्टार्ट करते रहो मुझे जल्दी जल्दी, क्या आंसर बनेगा। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ। अलग वाले का 0, सेम वाले का 2 पाई, बिल्कुल सही बताया। सेम सेम वाले का कितना आ जाएगा भैया, 2 पाई, और अलग वाले का 0 इस प्रकार से, और ऐसे ही यहाँ पे इस वाले का कितना आ जाएगा, 0, और सेम सेम वाले का 2 पाई, और ये वाला भी 0, और सेम सेम यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और सेम सेम वाले का 2 पाई। तो ये कुछ ये प्रॉपर्टीज भी होती है रेसिप्रोकल लेटिस की एंड डिफरेंट की। 0, बहुत बढ़िया सही बताया भैया, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेसिप्रोकल लेटिस की। एक बार नोट कर लो सभी, ठीक है भैया, ये सारी प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे भैया अब हम। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है, एक बार सभी डन कर दो और नोट कर लो यहां तक का। ठीक है, एक बार सभी नोट कर लो भैया यहां तक का, फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी थंब कर दो, और साथ वाले भी नोट करने के बाद सभी थंब कर दो भैया, जितने भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हो सभी थंब कर दो। ठीक है भैया, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कहीं आपको कैपिटल जी वेक्टर दिखाई दे रहा है, यदि कहीं कैपिटल जी वेक्टर दिखाई दे रहा है, और आपको एक जगह कैपिटल टी वेक्टर दिखाई दे रहा है, तो आपको बताना है कैपिटल जी वेक्टर जो है भैया हमारा क्या होता है। रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, लेटिस वेक्टर। तो इसकी कुछ वैल्यू होती है, व्युत्क्रमण जालक वेक्टर बोलते हैं भैया इसे। तो इसकी कुछ टर्म्स होती है, और इसे क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, टी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रिस्टल, डायरेक्ट क्रिस्टल लेटिस, डायरेक्ट डायरेक्ट या सिंपल लेटिस वेक्टर, लेटिस वेक्टर। तो इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, तो इसकी कैपिटल जी वेक्टर की वैल्यू होती है एच के एल के अकॉर्डिंग, ले लो एच के एल इस प्रकार से। तो जी के साथ में तो कैपिटल ए वाला ही आना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, तो इन्हें सबको ऐड कर दो भैया। ठीक है, और टी के साथ में क्या टर्म्स बनेगी, टी वाला वो होता है भैया हमारा क्या होता है, डायरेक्ट का होता है, तो ए बी और सी, और इसके बाद इसके आते यू वी डब्लू। ठीक है, इस तरीके से टर्म्स बनती है इसकी हमारी। तो टी की वैल्यू भी याद रखनी है आपको अच्छे से, और जी की वैल्यू भी, और आपको यही बताना कि ये टर्म्स की वैल्यू क्या होती है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से इन सब की वैल्यू को निकाल दोगे, अब आप बहुत अच्छे तरीके से इन सब की वैल्यू को निकाल दोगे। एक बार सभी यहां तक खत्म कर दो आप, एक बार सभी यहां तक खत्म कर दो भैया, फिर आगे चलते हैं। और अब आप बहुत अच्छे तरीके से ई की पावर आई जी टी की वैल्यू निकाल दोगे। चलो, अब सभी टर्म्स आपको पता लग गई, जी की भी टी की भी पता लग गई, और वे साइड टर्म्स भी पता लग गई। ये सभी प्रॉपर्टी थी भैया इसकी, ये सब प्रॉपर्टी थी रेसिप्रोकलेटिस की, अभी आगे भी चल रही है प्रॉपर्टीज। ठीक है, जल्दी से थम कर दो। अच्छा, अब जल्दी से सभी स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकाल के दिखा दो, अब इसे प्रूव करके दिखा दो, प्रूव डैट। अब तो बहुत आसान हो गया होगा आपको इसका निकालना, ई की पावर आई जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कैपिटल
कैसे निकालोगे? आपको सारे टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्या पता, जल्दी जल्दी से वैल्यू निकाल लो। चलो पहले जी जी वैक्टर डॉट टी वैक्टर निकाल लो, ठीक है, जल्दी से। जी वैक्टर की अभी वैल्यू हमारी कितनी थी जल्दी से बताओ, एच ए वैक्टर प्लस, जल्दी से बताओ दूसरी टर्म्स क्या थी, के बी वैक्टर प्लस एल सी वैक्टर और डॉट टी वैक्टर की वैल्यू अभी कितनी थी हमारे पास, यू ए वैक्टर थी प्लस वी बी वैक्टर थी प्लस डब्ल्यू सी वैक्टर थी, इस प्रकार से। और आप इसका डॉट प्रोडक्ट आप जब देखोगे, और क्या इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, टू पाई एच यू प्लस के वी, के वी प्लस एल डब्ल्यू। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जब सेम वाले के साथ में जाएगा, इस वाले के साथ में जाएगा, तो ये एच और यू तो साथ में चले जाओगे और ए ए के साथ में टू पाई बाहर निकल जाओगा, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसका, ठीक इसी प्रकार से इसका, ठीक है। इस वाले टर्म्स को थोड़ी देर के लिए एन कह दो, तो जी वैक्टर डॉट टी वैक्टर इजकल टू टू पाई एन कैपिटल एन, ठीक है, लेट कर दो इस वाले टर्म्स को थोड़ा सा, ठीक है। तो ई की पावर आई जी वैक्टर डॉट टी वैक्टर, दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल टर्म्स लिख लो, ई की पावर आई टू पाई एन, टू पाई एन, ठीक है भैया। और आपको ई की पावर आई थीटा का इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पता है, ई की पावर आई टू पाई एन का फॉर्मूला क्या बनता है जल्दी से बताओ सभी, इसका क्या क्या फॉर्मूला बनता है? आप कहोगे कोस टू पाई एन, टू पाई एन प्लस आई साइन टू पाई एन, और जब इनकी वैल्यू को निकाल लोगे तो वन प्लस वन इजिकल टू कितना हो जाएगा, वन आ जाओगा। तो ई की पावर आई जी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आगे भैया ई की पावर आई जी वैक्टर डॉट टी वैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या ना। ये इस प्रकार से सारे रिजल्ट से हमारा टर्म्स बननी थी, ठीक है। एक बार यहाँ तक का नोट कर लियो सभी स्टूडेंट। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं भैया। ठीक है, एक बार यहाँ तक का नोट कर लो। ठीक है भाई, चलो अभी आगे एक बार सभी थंब कर दो यहाँ तक का। ठीक है भाई, सभी एक बार थंब कर दो भैया यहाँ तक का। चलो आगे बढ़ते हैं, सम अदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है भैया। कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है तुम्हारी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, पहले वाली, एवरी वेक्टर ऑफ द रेसिप्रोकल लेटिस, एवरी वेक्टर ऑफ द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल लेटिस, यानी कि किसी भी रेसिप्रोकल लेटिस का वेक्टर नॉर्मल का कैसा रहा होगा, इज नॉर्मल टू ए सेट, नॉर्मल टू ए सेट ऑफ लेटिस प्लेन ऑफ द डायरेक्ट लेटिस, ऑफ द डायरेक्ट क्रिस्टल लेटिस, डायरेक्ट क्रिस्टल लेटिस। इस बात को कुछ इस प्रकार से समझेंगे, एक बार हिंदी में भी इसको नोट करेंगे भैया, ठीक है, एक बार हिंदी में भी नोट करेंगे, फिर बात बताता हूँ मैं आपको। व्युत्क्रमण जालक का, प्रत्येक सदिश, व्युत्क्रमण जालक का प्रत्येक सदिश सीधे क्रिस्टल, जालक के, जालक तलो, जालक तलो
समुच्चयों पर अभिलंब होता है, पर अभिलंब होता है। इस बात को कैसे समझेंगे, यानी कि उल्टा आने का मतलब क्या है, 90 डिग्री। कोई भी चीज एक दूसरे के पर उल्टी हो रही है तो वो क्या दिखा रही है भैया, 90 डिग्री। तो कुछ इस प्रकार से दिखा रहे होंगे कि भैया एक बात बताओ मुझे जल्दी से, एच के एल किसके थे, एच के एल थे आपके कैसे, रेसिप्रोकल लेटिस के। और आप कहोगे यू वी डब्ल्यू किसके थे हमारे डायरेक्ट के। तो यानी कि अगर ये दोनों आपस में उल्टे आते हैं तो हम कह देंगे यहाँ पे अभिलंबत है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है एक दूसरे पे, कैसे है, नॉर्मल है। कुछ इस प्रकार से ये रिजल्ट दिखाओगा कि यू तो हो जाओगा, ये वाला यू किसके उल्टा हो जाओगा, 1/h के, और ये वाला जो वी है ये किसका उल्टा जाओगा, 1/k के, ठीक है। और डब्ल्यू किसका उल्टा दिखाई देगा, 1/l के। ये 1/h, 1/k, 1/ ये एल जो है इसका मतलब ये सभी 90 डिग्री को शो कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल को शो कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये टर्म्स आपको देगा, पूछ सकता है कि रेसिप्रोकल लेटिस को एग्जाम में आपको रेसिप्रोकल लेटिस की कौन सी टर्म्स फॉलो हो रही है, ये देखे या फिर ये स्टेटमेंट देगा, ठीक है। एक बार नोट कर लो ये वाला पॉइंट, फिर आगे चलते हैं, ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं। सभी एक बार थम कर देना। तो क्या इनकी इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस भी आपस में उल्टी होगी, बिल्कुल उल्टी होगी, जल्दी से थम कर दो भैया एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, द मैग्नीट्यूड, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है भैया ये वाली प्रॉपर्टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरी रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर इज inversely proportional to the interplanar spacing of the corresponding set of lattice plane, यानी कि इनकी जो इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस थी वो इसमें कैसी होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्युत्क्रमण जालक सदिश का मान संगत जालक तलों के, ये लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, आप इसके स्टेटमेंटों को याद रखियो, ठीक है भैया, हिंदी मीडियम वाले विशेषकर आप इनके जो लास्ट में स्टेटमेंट मिले वे आपको ऑप्शन में मिलेंगे, उन्हें याद रखना। समुच्चय के अंतराग्राहिक अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे समझ सकते हैं ये वाले स्टेटमेंट को, आप इस प्रकार से याद रखियो भैया। देखो भाई, कैपिटल जब हमने जी बनाया था ये किसके थे हमारे, रेसिप्रोकल के थे, तो रेसिप्रोकल के में क्या होता है, एच के एल, तो यो इनवर्सली रहा होगा किसके, डायरेक्ट वालों के केस में अगर हम देखने लगे डी एच के एल, ठीक है भैया। तो ये रेसिप्रोकल लेटिस की डिस्टेंस और ये किसकी है, डायरेक्ट की डिस्टेंस आपस में कैसी रहेगी, रेसिप्रोकल रहेगी। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है भैया, ये वाला स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कौन सा ये फॉलो करता है। एक बार यहाँ तक का सभी थंब कर दो, फिर आगे चलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इनके वॉल्यूम भी क्या करेंगे, इनके वॉल्यूम भी कैसे करेंगे, इनवर्सली करेंगे आपस में, ठीक है। एक बार यहाँ तक का थंब कर दो सभी और नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
एक बार सभी थम कर दो भैया। एक बार सभी थम कर दो भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरा इसका और भी इंपॉर्टेंट है ये वाली टर्म्स प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या इनके वॉल्यूम पे उल्टे रहेंगे? तो बिल्कुल रहे होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट क्रिस्टल लैटिस। आप इस प्रकार से कह सकते हो कि उनका, देखो ये किसका वॉल्यूम था, आप कहोगे ये वाला वॉल्यूम किसका था, डायरेक्ट वालों का था। किसका था यो? वो किसका था? रेसिप्रोकल का। और ये वाला किसका वॉल्यूम था? तो ये वाला वॉल्यूम किसका था? डायरेक्ट वालों का। तो आपस में कैसे रहोगे? दोनों के वॉल्यूम इनवर्सली रहेंगे। ये वाला किसका वॉल्यूम था? आप कहोगे ये रेसिप्रोकल का वॉल्यूम है, ठीक है। और ये किसका वॉल्यूम है निचले वाला? ये आप कहोगे डायरेक्ट का वॉल्यूम है, ठीक है भैया। एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ जल्दी से, ठीक है भैया। यानी कि व्युत्क्रमण जालक की एकांक कोष्ठिका का आयतन क्रिस्टल जालक की एकांक कोष्ठिका के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये स्टेटमेंट नोट कर लो भैया, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ और ऐसे केस बताने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट यहां तक नोट कर लिया होगा आई होप सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कह लगूं एससी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या रहा होगा, एससी का जल्दी से कमेंट में आंसर बताते रहियो, एससी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या रहा होगा, तो आप कहोगे एससी ही रहा होगा। क्या रहा होगा? एससी ही रहेगा, ठीक है भैया। अगर आपसे पूछा लगा कि बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या रहा होगा, जल्दी से बताओ बीसीसी का क्या रहा होगा रेसिप्रोकल लैटिस, तो आप कहोगे बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी रहा होगा। और भैया एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या रहा होगा, तो आप कहोगे एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस रहा होगा क्या बीसीसी। एक बार नोट कर लो ये पॉइंट भी, काफी इंपॉर्टेंट है भैया ये, ठीक है। जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बताया भैया। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई किसी को भी?
जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है भैया, इसका लास्ट पॉइंट है, अगर आपसे कोई पूछने लगा है इंपोर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है, तो आपको बताना है ब्रैग इक्वेशन को बताने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है, ब्रैग इक्वेशन को बताने में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग क्यों हुआ है। तो ब्रैग इक्वेशन किस प्रकार से हो सकती है रेसिप्रोकल लेटिस के फॉर्मेट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले आता है भैया, तो आपको याद रखना है इस फॉर्मेट की मिलेगी टू के वेक्टर डॉट जी वेक्टर, अगर इस फॉर्मेट में कहीं आपको दिखाई दे जावे तो आप कह दोगे ये ब्रैग इक्वेशन है किस फॉर्मेट में, रेसिप्रोकल लेटिस फॉर्मेट में। ठीक है भैया, ये ब्रैग इक्वेशन है, ब्रैग इक्वेशन इन रेसिप्रोकल लेटिस फॉर्मेट में। ठीक है, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, ये कुछ इस प्रकार से भी आ सकती है टू के वेक्टर प्लस जी वेक्टर, और यहाँ पे इस जी वेक्टर को यहाँ पे भेज रखा होगा जीरो में, तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकती है के वेक्टर प्लस जी वेक्टर बाई टू, तो कुछ इस प्रकार से भी ये, अगर इन तीनों में से कोई सी भी टर्म्स आपको दिखाई देवे तो एग्जाम में ज़्यादातर तीसरे नंबर की टर्म्स आते हैं ये वाली। ठीक है, पिछ वाली भी पूछा है, कोई सी पूछा है, ये सभी क्या है इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है किसकी, ब्रैग इक्वेशन की रेसिप्रोकल लेटिस के फॉर्मेट में। ठीक है भैया, तो आपका कुछ बस दो पॉइंट इसमें बच गए छोटे छोटे से, कल असाइनमेंट के साथ में उन दोनों पॉइंटों को करा दूंगा और ये पहली वाली यूनिट आपकी ख़त्म हो गई भैया। तो कल इसके छोटे छोटे से दो पॉइंट बच गए हैं, उन दो पॉइंटों को मैं एक बार बता देता हूं कि कौन कौन से वे पॉइंट हैं। ठीक है भैया, आज ही करा दूं या फिर कल कराऊं, जल्दी से बताओ, आज ही करा दूं उन दो पॉइंट को, एक तो बर्लोनियन जोन है एक इविड स्ट्रक्चर है, जल्दी बताओ आज ही कराऊं या फिर कल असाइनमेंट के साथ कराऊं, जल्दी से बताओ आप सभी। ठीक है चलो, आज ही खत्म कर लेते हैं, चलो आज ही खत्म कर लो, आप आज ही बता देता हूं इसके कुछ पॉइंट आपको। ठीक है चलो, इतना कुछ ज़्यादा वो ना है, बस थोड़ा सा दो तीन मिनट का ही काम है, चलो कल असाइनमेंट के साथ करा दूंगा। ठीक है भैया, कल असाइनमेंट में कल हम ज़्यादा टाइम दे देंगे, कल असाइनमेंट में असाइनमेंट करेंगे इसका पहली वाली यूनिट का, इसी का ही। ठीक है भैया, और कल ही जब पॉइंट आओगे ना उसके बर्लिन जोन का जो पॉइंट आओगे उसके साथ करा दूंगा। ठीक है, कल दो मिनट में करा दूंगा, आज के लिए इतना काफ़ी, ऑल द बेस्ट सभी को, ये फर्स्ट यूनिट खत्म होगी भैया यहाँ पर।